नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टीवी के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस की। बता दें कि बिग बॉस सीजन 16 के घर का हर गुजरता दिन बेहद इंटरेस्टिंग और कॉन्ट्रोवर्शियल होता जा रहा है। 44वें दिन भी घर में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जी हाँ, आपको बता दें कि घर में अर्चना की वापसी होती है, जिसके बाद कुछ घर वाले खुश हो जाते हैं तो कुछ का मुंह भी लटकता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर घर में बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन भी काफी मस्ती करते नजर आए, अपनी बातों और कविता से घर वालों को समझाते नजर आए। और यहीं पर अगर बात करें, जी हाँ, आपको बता दें कि 13 नवम्बर के एपिसोड की शुरुआत में ही अर्चना को लेकर साजिद खान और प्रियंका के बीच काफी बहस हुई। प्रियंका कहती हैं अगर अर्चना ने रूल तोड़े तो शिव ने भी उन्हें बाहर कर रूल तोड़ा है, इसलिए उसे भी घर से बाहर होना चाहिए। वहीं साजिद कहते हैं कि अर्चना को 5 बार वार्निंग मिली थी, जबकि शिव को 1 ही बार वार्निंग मिली। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। इसी दौरान अर्चना घर में एंट्री करती हैं सौंदर्य और प्रियंका खुशी से उछलने लगती हैं। इसके बाद प्रियंका अर्चना सभी घर वालों के गले लगती हैं। अर्चना साजिद से वादा करती हैं कि अब घर में लड़ाई नहीं करेंगी। वहीं अर्चना शिव से माफी मांगती नजर आती हैं और कहती हैं वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। उन्हें घर से बाहर जाने पर बहुत बड़ा सदमा लगा। साजिद को लगता है कि अर्चना कुछ ही दिन में फिर अपनी हद पार कर जाएंगी। और निमृत कौर अहलूवालिया कहती हैं वेट एंड वॉच। जी हाँ, अर्चना की काफी ज्यादा धमाकेदार एंट्री हुई। और वहीं अगर बात करें फैंस की, तो आपको बता दें कि फैंस अर्चना की री एंट्री से काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से रातों रात अर्चना को बिग बॉस के घर से बाहर निकाला गया, फैंस लगातार सोशल मीडिया पर ब्रिंग बैक अर्चना हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। और जिसके बाद फाइनली अब शो के मेकर्स ने ये बड़ा कदम उठाया और अर्चना को वापस बिग बॉस के घर में लाने का फैसला लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अर्चना खुद पर कुछ बदलाव करती हुई नजर आती हैं या एक बार फिर से अर्चना के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।